हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4। सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं। वैसे तो मैं 4 बजे रोज़ ही उठ जाती थी, लेकिन आज मैं उठी हूँ। सबसे पहले अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करूँगी, और जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आज, ये बेली फैट के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले अपने पैर को फैला लेना है, अपने हाथ को दोनों नीचे रख लेना है, उसके बाद अपने पैर को ऊपर करना है, नीचे करना है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये आपके बेली फैट पर काफ़ी ही ज़्यादा असर डालता है जब आप करते हैं। तो आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज 20-20 की 3 सेट की, और 3 सेट में ही हालत ख़राब हो जाती है। जो हम आप पैर उठाते हैं ना, और उसके बाद होल्ड करने हैं आपको 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जितनी देर आप कर पाओ। पहले आप थोड़ा सा ऊपर उठाओ, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा ऊपर। अगर आपका आदत नहीं है ना, तो आपसे बनेगा नहीं। तो पहले तो आप एक पैर से शुरू करें, एक पैर उठाएँ, और जब आपका धीरे धीरे आदत बन जाए, तब आप दोनों पैर से करें। तो कम से कम आप 20-20 की 3 सेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा 2 सेट ही, 20-20 की 2 सेट से ही हालत ख़राब हो जाता है। जो मैं दूसरी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये आपके थाई के फैट को कम करेगा। मुझे लगता है अभी मुझे थाई के फैट और बेली फैट थोड़े से कम करने हैं, और नहीं भी कम करने हैं तो कोई बात नहीं। जो हम दिन भर खाते पीते हैं, जैसे आज मुझे आलू का पराठा बनाना है, आलू का पराठा खाना है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। और ठंड का महीना आ रहा है, तो अब पराठे चलेंगे ही चलेंगे, इसलिए मुझे अपने खुद के लिए वजन ना बढ़े, इसके लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्सरसाइज की, 20-20 की 3 सेट मैंने ये करी, और 20-20 की 2 सेट करी मैंने। और सुबह वॉक पे निकल चुके हैं आज ना, बहुत दिन बाद सुबह पे वॉक पे आई हूँ। काफ़ी दिन से मैं सुबह वॉक पे नहीं आ पा रही थी। रीज़न क्या होता है, बच्चों का स्कूल होता है, आज बच्चों का स्कूल बंद था, छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। और आज आपको पता है, वैसे तो मैं ये जो राउंड लगाती हूँ, बड़ा राउंड लगाती हूँ, ये 1 से 1.5 किलोमीटर का है, इसे मैं 25 मिनट में लगाती थी। लेकिन आज आप ताजुब मानेंगे कि मैं 3 राउंड लगाई हूँ 25 मिनट में, घड़ी का देखा। आज पद्देव जी के साथ मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि पद्देव जी हमारे बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं, उनके चलने की स्पीड से मुझे दौड़ना पड़ रहा था। कहने का मतलब है, उनकी वॉकिंग हो रही थी, मेरी जॉगिंग हो रही। तो मैंने 25 मिनट में 3 चक्कर लगाए, और 50 मिनट में मैंने 6 चक्कर लगाए हैं आज। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की पद्देव जी के साथ, तो हम दोनों ने मिलकर आज वॉक किए, एक्सरसाइज की। इतना मज़ा आया, इतना आनंद आया कि कहने वाली बात नहीं। ऐसे पूरा शरीर हल्का लगने लगा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही, कोहरा पड़ रहा है। आने के बाद मैंने 2 ग्लास गर्म पानी करा, और उसके बाद बैठ करके आराम से बाहर कुर्सी लगा के 2 ग्लास पानी पिया। थोड़ी सी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग की, प्याज टमाटर, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मैंने निकाल लिया है मूंगफली। आज मैं बनाऊंगी, काफ़ी दिन बाद पोहा बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल, और उसके बाद मूंगफली को अच्छे से भून लिया। मूंगफली थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही डाली, क्योंकि मूंगफली सबको बहुत पसंद आती है पोहे में डाल करके, मुझे भी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है। मूंगफली भी अच्छे से भून करके फ्राई करके निकाल लिया। बचे हुए तेल में मैं राई के दाने लगा डालूंगी, एक्स्ट्रा तेल मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि तेल भी हमारे वजन को बढ़ाता है। चाहे आप सरसों का तेल खाओ, चाहे रिफाइंड खाओ, चाहे घी खाओ, फैट सेम ही होता है, चाहे कोई सा भी ऑयल खाओ। तो यहाँ पे सरसों के दाने डाल दिए हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल दिया। इन सबको अच्छे से फ्राई होने देते हैं, और पोहा मैंने पहले ही धुल करके रख दिया है। तेल कम था, इसलिए प्याज अच्छे से भुन नहीं रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद प्याज अच्छे से भुन गई, उसके बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है नमक कम है, तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, अंदाज से ही नमक डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, और टमाटर का गलने का इंतजार करते हैं। वैसे ठंड का मौसम आ चुका है, लेकिन अभी हमारे यहाँ गाजर मटर हमारे घर में नहीं आता, क्योंकि भाई हमारे यहाँ एक मतलब हफ्ते 10 दिन में सब्जियाँ आती हैं। तो फिलहाल अभी तो महंगी भी आ रही हैं टमाटर, सॉरी मटर महंगी भी आ रही है, लेकिन मतलब आई भी नहीं है एक बार हमारे घर में अब तक, जब तक ये सीजन वाली मटर आ रही है। तो बस पोहा डाल करके ऐड करके खूब अच्छे से इसको मतलब मिला लिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे दे करके इसको ढक दिया है। पानी के छींटे दे देने से क्या होता है ना, कि ये बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है पोहा। उसके बाद इसमें ऐड कर दी है मूँगफली। मूँगफली ऐड करने के बाद ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। खटास के लिए आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला या फिर नींबू का जूस ऐड कर सकती हैं, और मिठास के लिए आप चीनी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में शुगर है, मुझे भी चीनी ज़्यादा नहीं खानी होती, पद्देव जी को बेटा भी नहीं खाता, इसलिए मैंने चीनी वनी नहीं ऐड किया, मैं मीठा नहीं ऐड करती हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद होता है खट मीठा पोहा खाना। ऊपर से मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। पोहा हमारा बन करके तैयार है, आप लोग भी आ जाइए, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय हम 3 लोग पियेंगे, गौरी, मैं और पांडे जी। क्या कहते हैं, हमारे घर में चाय ऐसे इतनी बढ़िया मतलब फीकी बनती है ना, पी के आनंद ही आ जाता है। ऐसे सुबह सुबह की चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या है ना,
कि पी भी लेनी चाहिए, इतना नहीं कंट्रोल करना चाहिए कि वज़न हमारा बढ़ जाएगा। और बढ़ा हुआ है वज़न तो बढ़ा ही रहेगा, घटाने मतलब घटाने के लिए आपको डाइट पे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी ना कि चाय की। वैसे चाय में ये लगभग आधी कप चाय है, इसमें 50 से 60 कैलोरी होगी, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, दूध की मात्रा ज़्यादा है, इसमें चीनी कम है। मतलब चीनी ज़्यादा वज़न बढ़ाती है ऐसा सब लोग कहते हैं, मेरा भी मानना है, इसलिए मैं चीनी बहुत कम डालती हूँ। लेकिन यह है फीकी चाय, मतलब जैसे कम दूध वाली चाय मुझे पसंद नहीं आती, अदरक थोड़ी सी ज़्यादा, दूध भी थोड़ी सी ज़्यादा, चीनी कम रहे चलेगा, लेकिन अदरक और दूध ज़्यादा चाहिए। तो बस चाय पियेंगे, पोहा खाएंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा की तैयारी करेंगे, कपड़े भी धुलना है, चादर भी बदलना है, ये सब काम करते रहेंगे। साथ ही मैंने सोचा चलो आलू उबलने के लिए रख देते हैं, आज आलू के पराठे बनाएंगे। जब बहुत सारा काम मुझे होता है ना तो मैं ऐसा ही कुछ बना देती हूँ भारी भरकम, ताकि दाल चावल ये सब ना बनाना पड़े। तीन यहाँ पे स्वीट पोटैटो रखी थी, मैंने कहा इसको भी ऐड कर देते हैं इसी में, ये एक सीटी में पक जाएगा। बस इसको चढ़ा करके चलते हैं झाड़ू पोछा करके फिर चादर उधर बदलते हैं, वाशिंग मशीन में कपड़े लगाते हैं, उनको भी धुलना है, आज धुला जाएगा कि कल धुला जाएगा ये नहीं, चादर गंदे होते हैं तो बदल दिए जाते हैं। और यहाँ पे गुरु तो सो करके उठ चुका है, लेकिन गौरी की अभी भी नींद नहीं खुली है, जबकि पोहा खा के आने के बाद ये दोबारा सो गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं ज़्यादा चादर बदलती हूँ, तो झाड़ू पोछा कर लिया है, उसके बाद मैंने ये लाल वाली चादर बिछा दी। इसका तकिया का कवर मतलब ख़त्म हो चुका है, द एंड हो चुका है, लेकिन ये चादर अभी भी बाकी है। ये चादर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लाल पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, चाहे खुद के लिए हो लाल पीला कलर साड़ी हो या फिर घर में बिछाने के लिए चादर, तो ज़्यादा सही रहता है। और जब बच्चे बच्चे हो ना तो ज़्यादा सही रहता है कि लाल वाल कमरे में भी छा दो ना, तो एक अलग ही सुंदरता लगती है, ऐसे चटक चटक रंग लगता है, इसलिए मैं लाल पीला ज़्यादा चुनती हूँ, लाल पीला मुझे बहुत ज़्यादा भाता है। तो दूसरे वाले तख्त पे भी मैंने चादर डाल दिया है, ये भी चादर बदल दिया है, तकिए की कवर थोड़ी सी लगाई है, दो पे बाद में लगाएंगे। और आलू हमारा उबल चुका था, मैंने कहा चलो इसको भी फ्राई कर लेते हैं, कढ़ाई चढ़ाई है, एक चम्मच सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी डाली है, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च तीनों चारों को एक साथ कूट लिया है, उसके बाद ऐड कर दिया है। और देखिए तेल मैंने कितना कम डाला है, इसको भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, दम आलू मसाला ऐड करेंगे, और चाहे तो आप थोड़ा सा होममेड मसाला भी, धनिया सौंफ जीरा का पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। आलू अगर मीठी है तो इसमें मैं अचार का मसाला ऐड कर देती हूँ, लेकिन ये जो पीली वाली ये आलू आती है ना, ये बिल्कुल मीठी नहीं होती, इसमें मतलब बिल्कुल मीठापन नहीं होता, ये बहुत अच्छी होती है पराठे बनाने के लिए, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। पराठे बनाने के लिए वही आलू आप चुनें जिसमें पानी बहुत कम होता है, जैसे हमारी सफ़ेद वाली आलू उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लाल वाली में थोड़ा कम होता है, और ये जो पीली वाली आलू आती है ना इसमें बहुत कम पानी होता है। तो यहाँ पे हमारी आलू अच्छे से भुन चुकी थी, ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, पराठे का आलू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी चटनी पीस लेते हैं हरी धनिया टमाटर की, आलू के पराठे बनाओ साथ में हरी धनिया टमाटर की चटनी हो, और केचप तो हमारे घर में अब कोई खाता ही नहीं है, जैसे सबको परहेज सा हो गया है, जंक फूड ये सब मतलब जो घर में बना के तैयार करो ना वही सब लोग खाते हैं, जैसे पैकेट बंद डिब्बा बंद चीज़ें कोई नहीं खाता। तो यहाँ पे हरी धनिया की चटनी, एक टमाटर डाल के, धनिया की पत्ती ज़्यादा डाली है, टमाटर एक डाला है, इसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस मैंने निकाल कर इसमें डाल दिया है, खटास कम है आजकल टमाटर में ना, कई कई टमाटर ऐसे आते हैं जिसमें खटास ज़्यादा होती है, कई कई में बिल्कुल भी खटास नहीं होती है। बागी है बेफिक्री का आदि है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। और पूजा पाठ करने के बाद मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा चलो ठीक है गुनगुना पानी पी लेते हैं, आजकल मैं गुनगुना पानी पे जोर दे रही हूँ ज़्यादा करके। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही नहीं होता, गर्म पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, और जो हम खाते पीते हैं ना वो आसानी से पच जाता है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी पिया। सारे काम हो ही चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका, स्नान हो चुका, कंघा कर लिया है, अब बचा हुआ एक काम था आटा गूंथने का काम था और पराठे बनाने का। मैं आटा गूंथ करके गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी, सब लोग आराम से खा लेंगे, अभी टाइम सुबह के 11 बज रहे होंगे। पोहा खाने
बाद सबको भूख कम लगती है। जैसे पोहा भारी होता है, पोहा खा लो ना, जैसे आप डाइट कर रहे हैं वजन कम करने के लिए आप पोहे का बना करके नाश्ता करें ना, पोहा खाने पे बहुत देर तक पेट भरा रहता, भूख नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है और जो मैंने आलू उबाला था, फ्राई किया था, उसके मैंने बॉल्स बना लिए हैं। गोल गोल बॉल्स बना लो तो बहुत अच्छे से मतलब पराठे में भरने में आसानी होती है, नहीं तो हाथ में ऐसे चिपक जाते हैं। आज आलू जो है ना थोड़े से चंकदार हैं, मतलब रोड़े एक आग कहीं रह गए हैं, वो बेलने में दिक्कत कर रहे हैं। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, संभाल लूँगी। देखिए जब हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं और कभी नहीं बनाए रहते तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम यही चीज़ रोज़ कर रहे हैं ना, रोज़ रोज़ काम करने से हमें काम करने की आदत हो जाती है और हमारा काम थोड़ा सा बिगड़ता भी है ना, तो हम उसे परफेक्टली बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए पराठे बना दिए थे, सब लोग खा भी लिए गर्मा गर्म दही पराठे चटनी। और यहाँ पे मैं अपने लिए एक बड़े से पराठे में खूब सारा आलू भर करके पराठा बना रही हूँ और बहुत हल्का तेल, मतलब ऐसे बूंद बूंद से तेल लगा करके दोनों तरफ से अच्छे से पराठे बना रही हूँ। देखिए जब हम डाइट करते हैं ना तो तेल की मात्रा भी हमें कम कर देनी चाहिए, फिर हम डाइट करते हैं वजन मेंटेन करते हैं या फिर वजन कम करते हैं तो हमें ऑयली चीज़ जैसे ऑयल से बनी हुई या फिर कोई भी ऑयल कम कर देना चाहिए। वैसे मैं ऑयल अपने घर में बहुत कम खाती भी हूँ, ऐसा नहीं भर भर के डालती हूँ। कोई भी सब्ज़ी में आप देखते होंगे एक डेढ़ चम्मच दो चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं, कभी कभार पनीर की सब्जी बनी बात अलग है। आलू के पराठे इतने यम्मी इतने स्वादिष्ट बने थे ना, ऐसे मुंह में घुल जाने वाले। मैं बहुत क्रिस्पी पराठे नहीं बनाती हूँ, साथ में जब चटपटी चटनी हो साथ में दही हो ना तो पूछो मत। खाना खाने के बाद बहुत सारे काम हुए, जैसे कपड़े फोल्ड करने का काम, कपड़े बहुत सारे धोए गए थे, उनको तो मैंने दिखाया ही नहीं। कितने सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दिखाते ही नहीं हैं। शाम को मैंने चाय भी नहीं बनाई, अमरूद दो रखा था मैंने उसको खाया, बच्चों को मैंने बनाना से एक बना करके दिया, चाय नहीं बनाई थी और शाम की वाक पे निकल चुके हैं। मैंने कहा आजकल बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है ना वाक पे जाने के लिए, तो मैं सुबह हो आई थी वाक पे, मैंने आज 6 चक्कर सुबह लगाए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन आन करने के लिए मैं शाम को निकल गई थी। हो जाता है ना जैसे बाहर चले जाओ थोड़ा अच्छा रहता है। शाम को आके दूध गर्म किया, खाने में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और मूली मूली का पत्ता एक रोटी ली है, ये हमारा रात का डिनर, इसे खाएंगे, एक गिलास गुनगुना पानी पियेंगे सोने पहले और सो जाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब।